राजधानी जयपुर में एक भयानक घटना सामने आई है जिसको सुन आपके रूह कांप जाएगी। बात 2 जून की है जब जयपुर के करधनी थाना पुलिस को 7 नंबर बस स्टैंड से मंगलम सिटी की तरफ जाने वाले रोड के पास से एक अज्ञात महिला का नग्न अवस्था में शव मिला। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, मानो किसी ने उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की हो। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे जिससे साफ था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक निर्मम हत्या थी। पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर मिले गाड़ी के टायर के निशान और फुटप्रिंट्स के साक्ष्य को मानते हुए एकत्रित किया, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी मृतक महिला की पहचान करना। इसी के चलते जिलों में गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई गई और फिर सामने आई महिला की असली पहचान। मृतक महिला पश्चिम बंगाल की निवासी है। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों का डाटा एकत्रित किया, सभी गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट एवरेज समय निकाला। उनसे एक गाड़ी की पहचान की गई, सुनिश्चित की गई संदिग्ध गाड़ी का पीछा करके गाड़ी के नंबर प्लेट सही नहीं होने के कारण मालिक का पता लगाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन पुलिस से आखिर कोई कब तक कैसे बच सकता है। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गाड़ी का पीछा करते हुए संदिग्ध स्थान पर पहुंचकर डाटा एकत्रित किया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और फिर पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल को डिटेल करने के बाद में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में भी सामने आया कि मृतक महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आरोपी महिलाओं से वैश्यावृत्ति का काम करवाते थे। मृतक महिला से भी आरोपी वैश्यावृत्ति का काम करवा रहे थे। आरोपी ने मृतक महिला से वैश्यावृत्ति करवाने से पहले शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। इस बात पर महिला ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए महिला की डेड बॉडी को गाड़ी से कुचलकर संदिग्ध घटना पर पटक दिया और फरार हो गए। वहीं पुलिस में पूछताछ में आरोपियों ने एक और जुर्म कबूल किया है। पूछताछ में सामने आया कि कालवाड़ इलाके में 2 साल पहले इसी तरह एक युवती की हत्या कर दी थी। उस समय आरोपी आसाराम और राहुल के साथ सुनील कुमार उर्फ मनीषा कनक ने भी सहयोग किया था। उस समय भी युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया था। मना करने पर आसाराम, राहुल और सुनील कुमार ने जबरदस्ती गैंगरेप करके हत्या कर दी थी। आरोपी राहुल और मनीषा सगे भाई बहन हैं। मनीषा के सामने ही तीनों आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप करके हत्या की थी और चेहरा बिगाड़कर कालवाड़ इलाके में सुनसान जगह पर फेंक दिया था। लेकिन इस बार आरोपी अपनी घिनौनी हरकत से बच नहीं पाए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की मुस्तैदी और सटीक जांच के कारण हत्या के इस गुत्थी को सुलझाने में सफलता मिली है। वहीं अगर हम सोचे तो यह कहानी एक औरत की नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं की है जो इस प्रकार की हिंसा का और अत्याचार का शिकार हो जाती है और फिर उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और कुछ केस तो सामने आ जाते हैं और कुछ केस सामने नहीं आ पाते हैं। इसी के चलते देश में जागरूकता की बहुत जरूरत है। इन्होंने जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिलाओं से वेश्यावृत्ति का काम करवाते और उनसे अगर इस तरह का कार्य कराने से पहले ये जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाते, महिला द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते। इस महिला के साथ भी इन्होंने यही करते करने का प्रयास किया। उसी मारपीट के दौरान जब महिला ने और अधिक विरोध किया तो इन्होंने हत्या कारित की और उसके बाद में उस पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को हथियार से हमला करके उसको बिगाड़ दिया। जब इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि झोटवाड़ा में और मालपुरा गेट में आसाराम स्वामी के खिलाफ इस तरह के 2 अन्य प्रकरण दर्ज हैं, बलात्कार के प्रकरण में, जिसमें इन्होंने पीड़िता के साथ संबंध बनाने के दौरान मारपीट की थी। मालपुरा गेट का प्रकरण 2022 में दर्ज हुआ, जिसमें इस केस जो करधनी केस में जो मुलजिम है राहुल अग्रवाल, वो भी मालपुरा गेट में इसका को अक्यूज रहा था। उसमें भी पीड़िता के साथ संबंध बनाने के दौरान इन्होंने मारपीट की। मालपुरा गेट में 2 अन्य मुलजिम इनके साथ थे, कनक उर्फ मनीषा और सुनील करके, वो चारों लोग अरेस्ट हुए थे। और अभी इस केस में हमने करधनी केस में राहुल अग्रवाल को और आसाराम स्वामी दोनों को अरेस्ट किया। जब पुलिस ने इनसे और अधिक अनुसंधान पूछताछ
करना शुरू किया तो इस कड़े अनुसंधान के क्रम में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इसी तरह की वारदात पहले कालवाड़ थाना क्षेत्र में भी की है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।